नमस्कार दोस्तों, लाइव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली आने वाली है। दिवाली के दिन क्या करें और क्या न करें, इस असमंजस में हम हमेशा रहते हैं। यह जानकर आप माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण पर निकलती हैं और अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। माँ लक्ष्मी जी के आगमन के लिए लोग घर के आगे रंगोली बनाते हैं, अपने घर को अच्छी तरह सजाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन क्या करना चाहिए। दिवाली के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें, विशेषकर मुख्य द्वार को बहुत अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी वाला जल छिड़कना चाहिए। दिवाली के दिन पूजन में भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्थात घास चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं इन दोनों को अत्यधिक प्रिय हैं। दीपावली के दिन घर के बाहर रंगोली बनाएं। अगर आप स्वयं रंगोली नहीं बना सकते हैं तो बाजार से रंगोली का चित्र लगा सकते हैं, क्योंकि रंगोली अति शुभ मानी जाती है। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें। इस दिन जूते चप्पलों को कहीं पर छिपा कर रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी का आगमन मुख्य द्वार से ही होता है। और दीपावली के दिन रसोई में जूठे बर्तन कभी न छोड़ें, क्योंकि दीपावली के दिन घर की रसोई में भी दीपक जलाया जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा का विधान है। दीपावली के दिन पूड़ी बनाकर हलवा वगैरह रख कर गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद गाय माता के पैरों को छूना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको कम से कम 12 बजे तक जागना चाहिए और जब तक आप जागें तब तक घर के सभी दरवाजे खोल कर रखें। जब आप सो जाएं तो मुख्य द्वार बंद कर सकते हैं, लेकिन घर के अन्य द्वार खुले रखें। दिवाली के दिन पूजन के बाद काजल जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए दिवाली को काजल का अधिक महत्व दिया गया है। और दीपावली के दिन पूजन के बाद भगवान विष्णु को नए वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, गोपाल सहस्रनाम का पाठ भी करना चाहिए दीपावली की अर्धरात्रि को। दीपावली के पूजा के बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना आपको लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों, घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर अहंकार और स्वाभिमान को छोड़कर बढ़िया अच्छी तरीके से दीपावली मनाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन क्या ना करें। तो सबसे पहली चीज, दीपावली के दिन जो आप फूलों का प्रयोग करते हैं तो ताजे फूलों का प्रयोग करें। एक दिन पहले से लाए गए फूलों का प्रयोग दीपावली पूजन में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और दीपावली के दिन किसी को पैसा उधार न दें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। यदि कोई भिखारी इस दिन आपके द्वार आता है तो उसे धन की जगह कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। और दिवाली के दिन काली उड़द मसूर की दाल बिल्कुल ग्रहण न करें। इसके अलावा आपको इस दिन काले रंग की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन भोजन बनाने में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, क्योंकि पूजा के भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और माता लक्ष्मी जी को सुगंधित चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। अपने घर में अच्छे पुष्पों से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। दीपावली के दिन घर में झगड़ा ना करें, क्योंकि जिस घर में कलेश होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। दीपावली के दिन झाड़ू को अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, झाड़ू को न तो लात मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। झाड़ू को लेकर मैंने एक और वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं कि दीपावली पर विशेष महत्व है। दीपावली पर उपहार देते समय किसी से भी भेदभाव न करें, सभी को समान समझकर ही उपहार दें। दीपावली के दिन मांस मदिरे का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दीपावली के दिन पैसों का जुआ नहीं खेलना चाहिए। और दीपावली की रात को घर से कूड़ा बिल्कुल भी बाहर न निकालें, क्योंकि रात को घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, ना ही कूड़ा घर से फेंका जाता है। ऐसा करने से दरिद्रता आ जाती है। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और धूमधाम से अपनी दीपावली मनाएं, मिठाइयां बनाएं, मिठाइयां खाएं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।